आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे चित्तवार। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को वो खाने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा दो पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहां रखूं आप बताओ, वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है, दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं, कौन कौन?
दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल रहता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए, इसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उसमें। श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहाँ की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं, और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं? हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूँ और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, तो छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधारना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वास होता है।
11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास होता है। 12:30 बजे से लेकर 4:00 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वास होता है। 4:00 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वास चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है, तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास रहता, आहूतों का वास रहता, फिर वासुकों का वास आता। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, ये 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितर तृप्त रहते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान कराने पर कितने देवताओं के स्नान का पुण्य मिलता है? आपको कथा में पहले भी कहा 33 कोटि देवता मार्ग में खड़े हैं शंकर भगवान के स्नान का जल पाने के लिए। शंकर का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग कटी भाग, उस पे जो शिवलिंग रखा है, शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये कटी, ये तो पार्वती जी का हस्त कमल है, पर शिवलिंग का जो गोल भाग है शिवलिंग, उसका जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा शिवलिंग के मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही बिंदु में, एक ही शिवलिंग में विराज, एक ही महाराज पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता। इसलिए दोपहर में पीपल के वृक्ष में परिक्रमा नहीं होती, शाम को शंकर जी का वास हो जाता, इसलिए शिव जी की परिक्रमा शाम को नहीं होती, क्योंकि शंकर की परिक्रमा नहीं लगती है। रात को कुबेर का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में। दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे।